हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो कभी आप लोगों के साथ इस तरह से कुछ हाथ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. आई थिंक वो जो शो में होता है या घर में होता है वो अलग चीज़ें होती है. ये एक रियलिटी शो है तो उसे वैसे ही लिया जाए. चाहे सिद्धार्थ हो या असीम हो, मैं दोनों को जानता हूँ. एक के साथ मैं तेरा हीरो में काम किया था और एक के साथ हम टी शर्मा की दुल्हनिया के साथ. दोनों बाहर तो बहुत अच्छे थे और बहुत प्यार के साथ बिहेव करते थे. एंड विश देम बोथ ऑफ देम बेस्ट ऑफ लक फॉर बिग बॉस. किस किधर घर में? सलमान खान. थैंक यू. जी हाँ दोस्तों, ये था वरुण धवन का रिएक्शन, वो भी आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर. अगर हम बिग बॉस 13 की बात करते हैं तो ये दोनों कंटेस्टेंट के नाम सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कंटेस्टेंट घर के अंदर सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ लड़ते नज़र आते हैं और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इन्हीं दो कंटेस्टेंट की फ़ैन फॉलोइंग बाहर है. बहरहाल सिद्धार्थ शुक्ला की फ़ैन फॉलोइंग ऑलरेडी बाहर थी, लेकिन असीम रियाज जो कि घर के अंदर एज अ कॉमनर ही एंट्री किए थे और आज उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है. आए दिन वो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहते हैं. वहीं घर के अंदर ये दोनों ही कंटेस्टेंट काफ़ी ज़ोरदार है. दोनों की ही पर्सनैलिटी लोगों को बहुत पसंद आ रही है. दोनों ही अपना स्टैंड लेते हैं और दोनों ही गेम अच्छा खेल रहे हैं. जैसा कि वरुण धवन ने बताया कि उनके साथ दोनों ही काम कर चुके हैं. मैं तेरा हीरो के अंदर आसिम रियाज उनके साथ काम कर चुके हैं तो दूसरी और सिद्धार्थ शुक्ला हमटी शर्मा की दुल्हनिया में उनके साथ काम कर चुके हैं और दोनों के साथ ही उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था. बहरहाल घर के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ चिल्लाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन घर के बाहर उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है. क्या घर के अंदर दोनों ही फेक बन रहे हैं या फिर गेम के लिए ये सारे चेंजेस आए हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं. साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खेलो खेलो को, क्योंकि यही मिलती है बिग बॉस से जुड़ी आपको हर खबर सबसे पहले.